गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रूल्स है, तो वो सारे रूल्स हम देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जिनमें कि हम पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में स्टॉप नोटेशन डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास, जिसमें हमें बात करनी है मेनली ऑक्सीडेशन नंबर की, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, ON, ऑक्सीडेशन नंबर। और बहुत सारी कॉम्पिटिशन की बुक में इसको लिखा होता है OS, ऑक्सीडेशन स्टेट, मीनिंग सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपेरेंट चार्ज प्रोसीड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी चार्ज उस पर्टिकुलर एटम पर होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द अपेरेंट चार्ज इज ऑब्टेंड बाय हाइपोथेटिकल रिमूविंग ऑल द अदर एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड रिटेनिंग द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यहां पर क्या करेंगे, हम ब्रेकअप करेंगे, है ना, जो आपका मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकिंग करेंगे, उसका ब्रेकअप करेंगे। तो जो उसमें अलग अलग एटम होंगे ना उनके ऊपर हम चार्ज जो है वो रखेंगे, हाइपोथेटिकली हम उनके ऊपर चार्ज ऑब्टेन करेंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो पहले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, यानी उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे पता करते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल से समझना है इस पॉइंट को। एग्जाम्पल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड दैट क्लोरीन इज -2। अब देखिए आप ये HCl है, अब आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप करेंगे तो H+ और Cl माइनस आइन बने, तो जो भी उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया +1 एंड क्लोरीन का क्या हो गया -1। समझ में आया बच्चों। अब हम बात करेंगे रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहां से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है ना, रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। वन बाय वन हम सारे रूल डिस्कस करते जाएंगे। पहला रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन प्योर एलिमेंट, इन प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या रहता है बच्चों वो जीरो। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2 जीरो, Cl2 जीरो, O2 का भी जीरो, N2, S8, P4, Zn एटसेट्रा इज जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या होने वाला है प्योर एलिमेंट का, हमेशा जीरो। यानी अगर मैं सीधी सी बात कहूं कि जिसका कोई चार्ज नहीं है ऊपर, जिसका कोई नहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो। ओके बच्चों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन ए मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ ऑन द आयन। देखो अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उस मोनो एटॉमिक आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम प्लस इज +1, क्योंकि जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एंड Mg+2, ये +2 चार्ज है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन कितना होगा +2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज कितना रहता है -1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा बच्चों -1। ओके नेक्स्ट रूल्स,
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काइली मेटल इज ऑलवेज प्लस वन एंड दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज प्लस टू। देखो जो आपके पीरियोडिक टेबल का पहला पहला ग्रुप है तो आप क्या बोल रहे हो, अल्काइली मेटल, और अल्काइली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहता है, प्लस वन। अल्काइली मेटल क्या होता है बच्चों, लीना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद ना। तो ये आपका पूरा अल्काइली मेटल जो है Fe5, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, प्लस वन, है ना। ऐसे अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, प्लस टू। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड ग्रुप कौन सा है, बेटा मांगे यानी बेरिलियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपका सेकंड ग्रुप जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है बच्चों, प्लस टू, जिसको कि हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जब ये दोनों किसमें आते हैं, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक, मैं आपको एस ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा तो उसमें इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। बट जो फर्स्ट ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, हमेशा प्लस वन। सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, प्लस टू। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज माइनस टू। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना रहता है, माइनस टू, यानी द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू। बट इन परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस वन एंड माइनस वन बाय टू रेस्पेक्टिवली। यानी परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना रहेगा बच्चों, माइनस वन, सुपर ऑक्साइड में कितना रहेगा, माइनस वन बाय टू। इसे अपन समझ सकते हैं, जैसे कि है ना, सिंपल मैं बता देता हूं, H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना है, माइनस टू। जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना है, माइनस वन। KO2 ये क्या है, सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन माइनस वन बाई टू है। ये ओजोनोइड, अगर KO3 होगा ना तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन बाई थ्री होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि O2F2 हो गया ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस वन होता है। इट डिपेंड है किसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और अभी हमने देखा कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 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 माइनस वन होता है। तो टू का तो माइनस टू हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, एक का प्लस वन होगा। अभी मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज प्लस वन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है, प्लस वन, बट एक्सेप्शन क्या है, बट इन मेटल हाइड्राइड लाइक सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन। क्योंकि बच्चों सोडियम का अगर हमेशा प्लस वन होता है तो हाइड्रोजन का क्या रखना पड़ेगा, माइनस वन, क्योंकि ओवरऑल चार्जेस तो जीरो करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी मेटलिक हाइड्राइड होंगे उन मेटलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस वन होता है, ध्यान रखना है आपको। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, अभी हमें पता है कैल्शियम का प्लस टू होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, माइनस वन, तो टू का माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस टू और ये प्लस टू, ओवरऑल जीरो। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, जीरो। समझ में आया ये वाला भी रूल। नेक्स्ट, इन अ मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो। जो टोटल सम है ना मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो कितना होना चाहिए, जीरो। यानी जितना केटाइन का चार्ज होगा उतना ही एनाइन का चार्ज रखना है, ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा उसका, जीरो।
इन ए पॉलीएटॉमिक आयन, हम बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयन की, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, हमेशा वो चार्ज ऑफ आयन क्या है उसके बराबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, पॉलीएटॉमिक आयन के, समझ में आया बच्चों। और ये सारे रूल्स आप अभी जब कैलकुलेशन करेंगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तब आपको सारे रूल अप्लाई करने, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन आपका बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलो बच्चों, जैसे अभी आपको ये जो हमने रूल पढ़े ना इनको अप्लाई करना है। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसका निकालना है बच्चों क्रोमियम का इन K2CrO4। तो मैं आपको रूल सिखाता हूँ, जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो ना उसको डबल लाइन कर दो, इसका तो मुझे फाइंड करना है, और जिसका फाइंड करना उसको क्या लिखते हैं हमेशा एक्स, ये अननोन है मुझे नहीं पता है। अभी देखो पोटेशियम है, अभी आपको बताया था पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में आता है। एक पोटेशियम का कितना चार्ज होगा +1, तो कितना पोटेशियम है 2 पोटेशियम है, तो +2 हो जाएगा। अब एक ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों -2, तो कितना ऑक्सीजन है 4। अब ये हमें तो सबको जोड़ ही देना है, किसके बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ गया बच्चों, ये +2 आया, +x -8=0, तो x की वैल्यू क्या होगी x=+6। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा बच्चों +6। ऐसे आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं हम, +6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। ऐसे आपको कोई भी कंपाउंड दे आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO2। यहां पर फॉस्फोरस जो है इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है H3PO3, राइट, जिसका फाइंड करना है उसका बच्चों क्या लिखता हूं मैं हमेशा X। और हाइड्रोजन का तो पता ही है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना होगा बच्चों, +3 होगा कि नहीं। अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो कितनी ऑक्सीजन है 3, -2=0 कर देंगे क्योंकि तो कोई चार्ज नहीं है। जरा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये तो +3 +x -6=0, तो x की वैल्यू क्या रहेगी +3, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +3, चेक कर लेते हैं हम आंसर। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ एग्जांपल नंबर 3, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है बच्चों क्लोरीन का, इसमें इन HOCl। अब देखो इसका हमें फाइंड करना है, तो जिसका फाइंड करना है उसको हम क्या लिखते हैं हमेशा X। अब एक हाइड्रोजन का कितना होगा +1 +X प्लस, कितना ऑक्सीजन है 4, एक का कितना होता है बच्चों -2, तो 4 का कितना होगा -8=0 क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +7। बहुत सिंपल है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा इसमें +7। क्लियर है बच्चों, देखिए आप आंसर चेक कर लीजिए, परफेक्टली आंसर आ गया आपका +7 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सल्फर का इन SO3-2 आयन। अब ये आयन है ये ध्यान रखना आप, SO3-2 आयन, तो जिसका फाइंड करना होता है उसको क्या लिखता हूं बच्चों में हमेशा X प्लस, कितना ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2=2, जो भी चार्ज होगा इधर लिखना पड़ेगा -2, समझ में आया बच्चों, ये जो भी चार्ज होगा इक्वल टू में रखना पड़ेगा।
अभी तक जो एग्जांपल हमने देखे थे किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए हम इक्वल टू लिखते थे जीरो, बट यहाँ जो भी चार्ज है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगा प्लस फोर। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाला है बच्चों, प्लस फोर। आंसर चेक कर लेंगे हम, प्लस फोर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है, आप आराम से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अगेन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें इन Cr2O7-2 चार्ज, है ना। तो देखो बच्चों, जिसका फाइंड करना है उसको क्या लिखेंगे हम, x, बट यहाँ 2 क्रोमियम है तो क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है 7, तो ये लिख देंगे 7। एक का चार्ज कितना है माइनस टू, इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस टू, तो ये जो भी चार्ज होगा वो इधर लिखा जाएगा। ओके अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x-14 इक्वल्स टू माइनस टू, 2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों प्लस 6। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा प्लस 6, चेक कर लेते हैं, प्लस 6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों आपको, अब अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। किसका फाइंड करना है आपको, प्लेटिनम का, तो K2PtCl6। अब जिसका हमें फाइंड करना है उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, हमेशा x। एक पोटेशियम का प्लस 1 होता है, कितने पोटेशियम है आपके पास 2, प्लस एक Cl का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों -1, बट कितना Cl है आपके पास 6, टोटल चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 2 प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस का 4, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा प्लस 4। चेक कर लेते हैं जरा आंसर, प्लस 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां पर बच्चों ध्यान रखना, क्लोरीन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस 1, सारे हेलोजन, जो सारे हेलोजन है ना FClBri, नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो है वो -1 होता है ना, बट क्लोरीन ही एक ऐसा अकेला आयन है F- जिसका यूनिवर्सली ओनली -1 होता है, जबकि बाकी के हेलोजन जो है ना, जो ClBri, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से लेके +7 तक होता है, वेरिएबल होता है वो। केवल एक अकेला फ्लोरीन जो है वो हमेशा -1 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी चेंज होगा नहीं, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, इसीलिए हमेशा उसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा। ओके बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 7, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C12H22O11। अब C12H22O11 में हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब बच्चों जिसका फाइंड करना होता है उसको क्या लिखते हैं हम, x। तो यहाँ 12 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, 12x। ओके प्लस अब हाइड्रोजन कितना है 22, 1 हाइड्रोजन का कितना चार्ज होता है प्लस 1, तो 22 का कितना हो जाएगा प्लस 22, प्लस कितना ऑक्सीजन है 11, एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है बच्चों -2, इक्वल्स टू कितना हो गया 0। सॉल्व करेंगे हम इसको, 12x प्लस 22 और ये -22 इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस और माइनस ये तो कट हो गए, 12x इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या रहेगा 0, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या रहेगा C12H22O11 में 0। चेक कर लेते हैं बच्चों, 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर।
मैंने बच्चों पहले भी आपसे डिस्कस किया ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हम बता सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट होता है तो रिडक्शन, उसी को डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो बच्चों ऑक्सीडेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिडक्शन। इज इट क्लियर टू एनीवन? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सब्सटेंस इज डिक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या होगा बच्चों, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एजेंट हमेशा उल्टा होता है। समझ में आ गया? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो एजेंट कौन सा होगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया आपको? हमेशा याद रखना है एजेंट हमेशा उल्टा होता है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एनीवन? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक नोटेशन। देखिए बच्चों, जो रोमन साइंटिस्ट था ना उसने ये स्टॉक नोटेशन टेक्निक दी, ये सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं है, कुछ ही मेटल्स के लिए ये स्टॉक नोटेशन एप्लीकेशन, स्टॉक नोटेशन यूज किया जाता है, और ये रोमन साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना उसको रोमन में लिखते हैं। सिर्फ कुछ ही मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है उनके लिए ये स्टॉक नोटेशन टेक्निक जो है नोमेनक्लेचर की यूज करते हैं हम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमेरिकल्स इन ब्रैकेट, इसमें क्या करते हैं हम, रोमन न्यूमेरिकल्स इन ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को रखते हैं। दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज नोन एज स्टॉक नोटेशन, इसको एक रोमन साइंटिस्ट ने दिया था इसीलिए है ना रोमन में हम यूज करते हैं इसको, उसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। इट इज अ टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। द कंपाउंड एरिक क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड एज Au प्लस 3Cl3। अब एयूरिक क्लोराइड में एयूरिक क्लोराइड है ना, तो यहां पर गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस 3 है, तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको हम ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं। द स्टॉक नोटेशन ऑफ द स्टेनस एंड स्टेनिक क्लोराइड आर, अब देखिए आप स्टेनस मतलब प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेनिक प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, SN का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है तो उसको बोलते हैं हम स्टेनस क्लोराइड, SN का ऑक्सीडेशन प्लस 4 है तो उसको बोलते हैं हम स्टेनिक क्लोराइड, जैसे आयरन का होता है ना फेरस फेरिक, तो प्लस 2 और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहां पर। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो स्टॉक नोटेशन में जो ब्रैकेट है उसके अंदर रोमन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।